हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरे पास है एक बड़ा सा बॉक्स जो कि है सफ़ायर का, और सफ़ायर से मैंने कुछ ड्रेसेस ऑर्डर किए थे, तो ये मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती चलूँ जी। मैंने इनकी विंटर कलेक्शन में से लिए थे कुछ ड्रेसेस, और एक ड्रेस मैंने इनका लोन का बाय किया था। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ जो ड्रेसेस हैं वो मैं अनफोल्ड करूँगी, दिखाऊँगी आपको ओपन करके। और ये सब ड्रेसेस हैं, हिट कोट थे इनके, खद्दर के, बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। तो मैं इंशाल्लाह जब भी विंटर नेक्स्ट आएगा तो मैं इनकी स्टिचिंग भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये खूबसूरत सा सूट था खद्दर का जो कि मैंने ऑर्डर किया था सफ़ायर से, प्राइस है 2790 और मुझे तकरीबन 2000 का मिला था, आई थिंक सो, या 2200 का मिला था, तकरीबन इतना ही मुझे ऑफ के बाद मिला था ये सूट। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है ये, और प्रिंटेड ड्रेस है, बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है जैसे एम्ब्रॉयडर्ड है, लेकिन एम्ब्रॉयडर्ड बिल्कुल नहीं है। टाई एंड डाई इसका ट्राउज़र है, इस तरह से खूबसूरत, और साथ जो है इसकी शर्ट है वो भी बहुत प्यारी है, दिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले ट्राउज़र देख लें आप, जो ट्राउज़र है कुछ इस तरह से इसका, और अभी मैं दिखा रही हूँ शर्ट, शर्ट पे भी इस तरह से टाई एंड डाई का डिज़ाइन है, और बाकी इस पर आपको पर्पल कलर के खूबसूरत सा फ्लोरल जो प्रिंट है वो नज़र आ रहा है इस तरह से। और ये है इसका दामन, यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉर्डर की शेप जो है स्टाइल बना हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत प्रिंट है, मुझे पहले नज़र में देखते ही बहुत अच्छा लगा था। बाकी ये बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन थी इनकी खद्दर की, सफ़ायर की, तो मुझे तो ये सूट बहुत पसंद आए थे। वेल तो मैं आपको डिटेल में इसीलिए दिखा रही हूँ, सूट दोबारा जब इनकी विंटर सेल लगेगी मे भी, तो ये आर्टिकल जो रिस्टॉक करेंगे वो, तो अगर आपने लेने हो तो फिर ये ज़रूर आप ले लीजिएगा। तो अभी मेरे पास सेकंड जो ड्रेस है वो भी खद्दर का है, लेकिन इसके साथ साथ मेरे पास एक लॉन का ड्रेस भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और मैंने उसकी जो स्टिचिंग है वो भी करवा ली है, तो मैं आपके साथ किसी वीडियो में उसकी स्टिचिंग जो है वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ, ये साइड पर जो है इसका बॉर्डर दिया गया है, इनकेस अगर आप लगाना चाहें स्लीव्स के आगे या नेक लाइन आप करना चाहें इसे डेकोरेट, तो आप ज़रूर जो है इसको बाय कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये है इसकी मॉडल पिक्चर, दोबारा दिखा रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट सूट जो कि लॉन का है, और बहुत ही हिट आर्टिकल हुआ था, हिट कोड हुआ था लास्ट कलेक्शन में, लास्ट ईयर के समर कलेक्शन में से, जब इकरा अजीज वाला जो कोट था वो हिट हुआ था तब भी ये भी था साथ सूट, तो ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था बहुत जल्दी, लेकिन बाद में ये सेल में मिला था तो मैंने ये इसको सेल में बाय किया है। तो ये इसकी डिटेल है, कुछ कैमरे किसका ट्राउज़र है, और शर्ट जो है इसकी वो लॉन की है, फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, दुपट्टा इसके साथ आपको मिलेगा क्रिंकल शिफॉन का जो कि बहुत 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 खूबसूरत है, मैं आपको दिखाऊंगी, और इसके साथ पैचेस भी हैं। कलर इसका यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डार्क आ रहा है, तो ये जो सूखी मेहंदी वाला कलर होता है तकरीबन वो वाला कलर है इसका, तो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कलर, अगर आपको एग्जैक्ट शो हो जाए तो ये वाला कलर जो अभी लास्ट सबको शो हुआ था। वेल तो ये है इसके ट्राउज़र का प्रिंट, आई मीन ट्राउज़र है इसका जो कि आपको प्लेन मिल जाता है कैमरिक स्टफ में, और खूबसूरत स्टफ है, पता है ये आपको सफ़ार के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाकी शर्ट वगैरह सारा कुछ, तो पैच वगैरह मैं साइड पे रख लेती हूँ, मैं आपको दोबारा जो है बाद में जब दिखाऊंगी शर्ट तो फिर मैं आपको अलग अलग करके वन बाय वन सब दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ शर्ट का फ्रंट, शर्ट जो है वो 3 पैनल्स पर है जो कि फ्रंट का और साइड्स के पैनल्स हैं, तो ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ मिड पैनल, इस तरह से नेक लाइन है जो ऊपर ही आपको एम्ब्रॉयडर्ड मिलेगी, पैच नहीं है नेक लाइन का जो कि अच्छी बात ही है, कम से कम पैच हो लगाने के लिए, क्योंकि टेलर जो है काफ़ी चार्ज कर देते हैं पैचेस का भी अलग से। वेल तो ये है इसकी नेक लाइन, और ये जो है सब एम्ब्रॉयडर्ड है, और धागे काफ़ी लगे हैं, मैं ये इनको उतार लूँ तो खैर। तो इस तरह से खूबसूरत सी शर्ट है, और सबसे मज़े की बात यह कि फुली एम्ब्रॉयडर्ड मिल जाती है आपको। तो अभी मैं जो है आपको शर्ट के बाकी जो पीसीज हैं वो भी दिखा देती हूँ, और वीडियो फुल वॉच करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। ये जो आप देख रहे हैं ये है इसके साइड पैनल्स दोनों जो कि फुली एम्ब्रॉयडर्ड हैं, स्प्रे है एम्ब्रॉयडरी का इस तरह से, और फुली एम्ब्रॉयडर्ड मिल जाएगा आपको दोनों तरफ से, शर्ट के जो सेंट्रल पैनल के दोनों तरफ इस तरह से अटैच हो जाएंगे, ये आप देख भी सकते हैं। और ये वीडियो मेरे पास, मैंने विंटर की शूट की हुई थी तो मैंने सोचा आज शेयर कर ली जाए। वेल तो ये जो है ये शर्ट का बैक है,
और बहुत ही खूबसूरत है। ये भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड मिल जाएगा इस तरह से। इस पर भी जो है सब स्प्रे हुआ हुआ है और स्लीव्स भी हैं, वो भी एम्ब्रॉयडर्ड हैं। ये बैक और स्लीव्स दी गई हैं। बहुत ही जो है कम सूट्स में ऐसा होता है कि आपको बैक भी जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड मिले। वेल तो ये दो पैचेस हैं इसके खूबसूरत से, और ये आपने शर्ट की साइड्स पर लगाने हैं, चाहें तो शर्ट्स के कॉर्नर पर भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। वेल ये शर्ट की साइड्स पर हैं, वहाँ पे अटैच हो जाएंगे और बहुत प्यारे बंचेज हैं ये खूबसूरत से। ये साथ आपको मिल जाएगी पट्टियाँ हैं चार इसकी, और ऑर्गेन्जा बनी हुई है एम्ब्रॉयडर्ड पैच यानी कि, तो ये आप भी लगा सकते हैं बाजुओं पर, दामन पर लगाना चाहें तो दामन पर लगा लें, और इसके साथ ट्राउज़र पर लगाना चाह रहे हैं तो ट्राउज़र पर लगा लें, अप टू यू। तो ये हैं इसके साथ पैच जो आपको मिल जाएंगे, और ये है इसकी लुक ओवरऑल। मॉडल पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, सो डर आप देख सकेंगे पैचेस जो हैं कहाँ कहाँ यूज़ किए हुए हैं उन्होंने, और जो फुल प्राइस है वो भी इसकी मैंने मेंशन कर दी है। मुझे मिला है ये ऑफ पर 30% या 25% ऑफ पर मिला है, मुझे अब एग्जैक्ट नहीं याद। तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसका खूबसूरत सा दुपट्टा जो कि क्रिंकल शिफॉन पे है, और इसके कलर्स जो हैं वो देखें कितने खूबसूरत कलर्स हैं इस पर, और बहुत ही प्यारा प्रिंट है दुपट्टे का, मुझे बहुत अच्छा लगा था देखते ही। और खास तौर पर जो दुपट्टे होते हैं क्रिंकल शिफॉन के, वो लिए हुए बहुत अच्छे लगते हैं और कम्फर्टेबल रहता है इंसान। लॉन के दुपट्टा के बाद जो मुझे दुपट्टा पसंद है वो ये वाला क्रिंकल शिफॉन का ही पसंद है, और ऑर्गेन्जा दुपट्टा या नेट वगैरह का इतना नहीं संभाला जाता। वेल तो ये खूबसूरत सा सूट था, अभी मैं कुछ साथ थोड़ा ड्रेस जो है वो शेयर कर रही हूँ। ये है इनका खद्दर का खूबसूरत तरीन सूट सफ़ायर का, जो मैंने सेल से ही बाय किया है अगेन। तो ये खूबसूरत ड्रेस है, मैंने इनकी विंटर कलेक्शन से बाय किया है जो इनकी लास्ट भी लॉन्च हुई थी, और बहुत खूबसूरत ड्रेस है ये। आप देख सकते हैं 3-पीस सूट है ये, और 3990 इसकी फुल प्राइस है, और मुझे जो है ये ऑफ पे मिला है। खद्दर ट्राउज़र है इसका, खद्दर जो है लाइट खद्दर दुपट्टा है, और खद्दर ही शर्ट है इसकी, और वूल शॉल है आई थिंक इसके साथ। तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है ये, मुझे इसका कलर कम्बिनेशन रेड के साथ ग्रे वाला बहुत ही अच्छा लगा था, तो ड्रेस मैंने ड्रेस जो है वो बाय किया है। तो इंशाल्लाह ताला मैं भी आपको जो है विंटर्स में, अभी जो था आएगा विंटर इंशाल्लाह, तो मैं आपके साथ इसकी स्टिचिंग भी ज़रूर शेयर करूँगी। और ये खूबसूरत सा है इसका ट्राउज़र जो कि खद्दर में है, और मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी शर्ट। इसके शर्ट का प्रिंट जो है वो काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत सा है। मॉडल पिक्चर में तो उन्होंने जो है इसका ओवरऑल कोट टाइप सिलवाया हुआ है लॉन्ग में, लेकिन मैं ऑफ कोर्स शर्ट ही सिलवाऊंगी इसकी, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये इसकी ओवरऑल लुक है, और आपको मिल जाता है बॉर्डर मिल जाता है दामन में, और साइड्स पर भी मिल जाता है बॉर्डर लगाने के लिए। तो ये है इसकी शर्ट का फ्रंट जो कि इंतहाई खूबसूरत है, और ये है इसकी बैक, इस पर आपको सेंटर में एक मोटिव सा मिल जाएगा। ऑफकोर्स ये प्रिंटेड सूट है सारा, तो ये सब आपको मिल जाएगा मोटिव वगैरह साथ, और साथ डबल बॉर्डर दिया गया है, आप चाहे तो उतार दें चाहे तो लगाने दें। और ये हैं इसकी खूबसूरत सी स्लीव्स जो मैं अभी आपको दिखाने लगी हूँ। ओवरऑल जो सूट है वो काफ़ी खूबसूरत है और फुली रिकमेंडेड है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। आप भी अगर चाहें तो इस सूट को जो है वो ले सकते हैं, अप टू यू। तो मैं आपको दिखाती हूँ अब इसका दुपट्टा किस तरह से है। उससे पहले शर्ट भी दिखा रही हूँ, ओवरऑल ये इसकी शर्ट की लुक है। तो अभी मैं आपको इसका दुपट्टा जो है वो दिखा देती हूँ। दुपट्टा जो है इसका शॉल में है, और खूबसूरत सा फैब्रिक है दुपट्टे का। तो ये है इसकी ओवरऑल लुक, इस पर भी आपको जो है वो रेड और ग्रीन में कंट्रास्ट मिल जाएगा खूबसूरत सा, और इसका जो दुपट्टे का स्टफ है काफ़ी अच्छा है, शॉल है एक्चुअली ये, आप चाहें तो इसके साइड्स पर लेस लगाकर इसको डेकोरेट कर सकते हैं, अप टू यू। तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्टिचिंग सूट की, जो कि मेरे लॉन का सूट मैंने आपको दिखाया है, मैंने वो सिलवा लिया है, और ये है उसकी जो मैंने शलवार सिलवाई है। ट्राउज़र की जगह मैंने इसकी शलवार रखी है, और बहुत ही अच्छी लग रही है। इसके पांचे पर मैंने जो है वो पैच लगवा लिया है, और इस तरह से ये फुल भर की जो है वो शलवार रख ली है। और ये है इसकी खूबसूरत सी शर्ट, इस तरह से मैंने सिंपल पाइपिंग रखवाई है इसकी नेक लाइन पर, और कोई बटन वगैरह ऐड नहीं करवाया, और साइड पर ये बंचेज अटैच करवा दिए हैं, और स्लीव्स पर मैंने जो है खूबसूरत सा जो उसका पैच था वो लगाया है, और आगे मैंने स्मोकिंग करवा ली है, इसका काफ़ी ट्रेंड है आजकल, तो ये अच्छी लगती है, सिंपल सूट भी लगता है, खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए ये नेक लाइन है जिसकी मैं बात कर रही थी कि सिंपल पाइपिंग ही करवाई है, और ये है इसका दुपट्टा।
और हाँ, कमीज़ पे जो है शर्ट पर मैंने पलटा भी अटैच करवाया है। इसी तरह ही मैंने दुपट्टे पर भी चारों तरफ पलटा अटैच करवाया है। इससे दुपट्टे की ग्रेस जो है वो बढ़ जाती है, तो ज़रूर दुपट्टे पे लेस या पलटा अभी लगवाया करें। तो इस तरह से फ्लोरल प्रिंटिंग वाला इसका दुपट्टा है और सॉफ्ट फैब्रिक में है। ये है सूट की फुल लुक, मैंने सोचा हैंग करके भी दिखा देती हूँ। और ये एग्जैक्ट कलर है जो भी आपको शो हो रहा है सूट का। तो मैंने जो है इस तरह से इसको स्टिच करवाया है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। शर्ट की लेंथ जो है मैंने लॉन्ग रखवाई है, क्योंकि आजकल ऐसे भी लॉन्ग का ट्रेंड है, तो लॉन्ग शर्ट ही अच्छी लगती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।